मैं डॉक्टर प्रोफेसर दीपक प्रसाद सिंह आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट मेडिकल जिसको कि आप जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप बोलते हैं, हिंदी में आला कहते हैं। यह एक डॉक्टर की पहचान है, इसको हम लोग आई कार्ड ऑफ डॉक्टर बोलते हैं, बगैर इसका डॉक्टर नथिंग। तो बहुत सारे पैथ में लोग इसको जानते भी नहीं है, लोग समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन गलत है। हर एक पैरामेडिकल से लेकर और मेडिकल तक को इसके बारे में जानना चाहिए और उसे हर समय आई कार्ड जैसा रखना चाहिए। जैसे बचपन में जब लोग स्कूल जाते थे तो एक टाई लगाते थे, उसी तरह से इसको टाई के जैसा हमें गर्दन में लटका के रखना चाहिए इस तरह से, क्योंकि हमें जब भी मरीज आए तो हमें ज्यादा इसको कुछ करना ना पड़े और हम आराम से इसे देख सकें, और देख करके फिर हम लोग जब तक चेम्बर में बैठे तब तक इसको रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात है, इसका पार्ट और इसका इम्पोर्टेंट आपको समझाते हैं कि ये क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज कि हम इसका सहारा क्यों लेते हैं, किसी भी साउंड को एम्पलीफाई करके देखना, साउंड को एम्पलीफाई करके देखना, एम्पलीफाई मतलब उसको बड़ा करके, उसको ज्यादा बड़ा करके हम लोग देखना, क्योंकि मेन इस स्टेथोस्कोप का मेन एम वही है कि एम्पलीफिकेशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ साउंड, जैसे लाइक एम्पलीफिकेशन ऑफ वोकल साउंड, एम्पलीफिकेशन करना क्यों क्यों क्यों, क्योंकि जब तक हम इसको हम एम्पलीफाई करके नहीं देखेंगे तो डिजीज को नहीं देख पाएंगे। तो एम्पलीफाई करके देखना यानी इसका मेन एम है एम्पलीफाई करना। तो अब कैसे एम्पलीफाई करेंगे, कहां का एम्पलीफाई करेंगे हम बता देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हार्ट बीट हम सुनना चाहते हैं, हार्ट साउंड सुनना चाहते हैं, हार्ट साउंड हम लोग ऐसे नहीं कान लगा के सुन पाएंगे, लेकिन अगर स्टेथोस्कोप लगा देंगे तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग सुन पा लेते हैं। इसलिए इसका मेन फंक्शन है एम्पलीफाई कर देना, किसी भी साउंड को बढ़ा देना। मेन पार्ट कि इसके पार्ट के बारे में कोई समझ लेना, ये स्टेथोस्कोप में ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एयर पीस बोलते हैं या एयर टिप्स बोलते हैं, ये हम लोग कान में लगाते हैं इसको, और इससे जुड़ा हुआ ये मेटल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब भी बोलते हैं। ये ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर से बना हुआ है कि जब इस न्यूरल ट्यूब पूरा यहाँ से आगे बोलते हैं, यू ट्यूब बोलते हैं इसको, और ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, देखिए गौर से, कि दोनों ईयर पीस को जब सटाएंगे तो इधर की तरफ ऐसे कन्वेक्स बन जाता है, तो इधर की तरफ कनकेव बनता है, यानी इधर धंसा हुआ पार्ट जैसा बनता है और इधर उभरा हुआ पार्ट जैसा बनता है। क्योंकि हम बीपी में इस बात को बताए थे कि अगर हम सही ढंग से कान में नहीं लगाएंगे, अगर उल्टा लग जाएगा तो मेरे कान के जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो आगे एंटीरियरली है। तो अगर बाय द वे सपोज दैट कि अगर हम इसको हम इस ढंग से अगर लगा लेते हैं तो ये मतलब कि ये पीछे की तरफ जा रही है और मेरा कान एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आगे की तरफ है, तो हमें सुनाई नहीं पड़ेगी, तो हमें इसको ऑलवेज इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कान में एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में उसके डायरेक्शन की तरफ वो जा सके। तो ये जो डायरेक्शन है कि इधर जो उभरा हुआ पार्ट है ऑलवेज, अब हम लोग सही बता रहे आपको कि इसका जो सही सिचुएशन ये होता है कि इसका उभरा हुआ पार्ट आगे की तरफ होना चाहिए, यानी जो कन्वेक्स पार्ट है वो आगे रहना चाहिए, कनकेव पार्ट अपने तरफ होना चाहिए। ऐसे समझ ले कि नोज आगे है, नोज की जैसा ये निकला हुआ है तो ये आगे रहेगा और ये धंसा हुआ पार्ट अपने पास रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज होने पर हम सुन नहीं पाएंगे। इसीलिए हम पहले बोले थे कि टाई के माफिक इसको लगा लेते हैं, क्योंकि बार बार आपको ये मिलाना ना पड़ेगा कि सही है या सही है, क्योंकि एक बार ऐसे लगा करके और अगर आप ऐसे लगा लेते हैं गर्दन में तो बार बार क्या करना होगा, हमें देखना नहीं पड़ेगा, सीधे पेशेंट आवेगा, हम देखते समय सीधा इसको काम में लगाएंगे ऐसे और सीधा हम लोग एग्जामिनेशन करना चालू स्टार्ट करते हैं। नहीं तो ऐसा होगा कि पेशेंट आएगा और उसके बाद मिला के देखें, या फिर मिलाना भूल गए, या फिर कभी कभी हड़बड़ा जाते हैं और हम लोग उल्टा लगा के अगर देखेंगे तो अच्छी अच्छी चीज हम लोग सुनाने पड़ते हैं और लास्ट में बोल देंगे, या तो सुना नहीं पड़ता है ना तो बोल देंगे नॉर्मल है, ये गलत चीज है। तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि स्टेथो को सही ढंग से क्लिनिक पर बैठते समय, हाँ जाते समय ऑफ कर देना है, लेकिन बैठते समय एक बार इस तरह से लगाकर गर्दन में लगा लेना है, जो कि हम लोग जितना देर तक बैठे रहेंगे उतना देर तक हम लोग इसको यूज करें। अगला इसका नेक्स्ट पार्ट जो है इसको हम लोग बड़ी ट्यूब बोलते हैं, इससे साउंड कलेक्ट होता है। अब ये ट्यूब कहाँ से सेट है, ये जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर,
ये जो ट्यूब बेस है और ये ट्यूब बेस यहां पर लॉक है, ये लॉक कर देता है। कई बार मिस्टेक होती है, बहुत बार मिस्टेक होती है कि ये लॉक नहीं, देखिए जो हम घुमा रहे हैं इसको, ये घुमाने से लॉक खुलता है और फिर घुमाने से लॉक बंद हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप को ये लॉक को खोलना भूल जाते हैं और हम लोग बोल देते हैं किसी भी चीज में कि नॉर्मल है या सुनाई नहीं पड़ता है, अलग गलत है। यहां एकदम ध्यान देना है कि जिस तरह से हमें स्टेथोस्कोप में यहां ध्यान दिए हैं कि इस ट्यूब को ये दोनों को एक जैसे रखना जरूरी है, उसी तरह से यहां जरूरी है कि इस जगह पे कि इस लॉक को खोलना नेसेसरी है। ठीक है, ये लॉक खोलना जरूरी है, समझे। इसलिए तो ये जो लॉक है, ये लॉक को जिस तरह खोल, यहां पर जैसा बोले अभी आपको हम कि इस ट्यूब के लिए जैसे बोले, जिस ट्यूब को हम मिला के यूज करेंगे, सेम उसी तरह ध्यान हमें यहां देना होगा कि ये जो लॉक है यहां पर, ये लॉक भी एकदम खुलना और बंद होना चाहिए। तो खुलना जिस समय इसको यूज करेंगे उस समय ये लॉक खुल जाना चाहिए। कैसे चेक करेंगे खुल गया होगा, इसके लिए हम आगे बताते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चेस्ट पीस, कहते हैं चेस्ट पीस, और इसके अंदर जो देख रहे हैं जो होल जैसा पार्ट है इसको बेल कहते हैं, बेल कहते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे है इसको डायफ्राम बोलते हैं, ये डायफ्राम है। तो ये मेरा जो ड्रम है जिसमें साउंड जाएगा, ये मेरा ओपन है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग सबसे पहले वही बताए थे, देखिए मिस्टेक कैसे हुआ, यहां पर हम देख लिए आगे कन्वेक्स पार्ट है, आगे की तरफ रहेगा, कान में लगा लेंगे और हम लोग इसको देखेंगे यहां से खोल करके और इसको ठोक के देखेंगे कि ये मेरा खुला हुआ है कि नहीं। जब जैसे इसको ठोकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टच करते हैं, तो एक बहुत बड़ा साउंड हमें कान ईयर में सुनाई पड़ती है। इसका मतलब कि मेरा स्टेथोस्कोप खुला हुआ है। अगर ये बंद रहेगा तो हमें कोई भी सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उस ये सही सिचुएशन नहीं है, सही सिचुएशन ये है इसका। अब इसके बाद अगला आता है पार्ट के बाद, हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं। तो अभी आपको जैसे बताया शुरू में कि स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला यूज हम लोग करते हैं जैसे वोकल कॉर्ड का साउंड देखना हो, थ्रोट का कोई साउंड देखना हो, उसमें हम लोग जैसे कई बार हम लोग शोर थ्रोट को इसमें तो नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन शोर थ्रोट भी चाहे तो हम लोग इसे देख सकते हैं। कोई थ्रोट इसमें फिलिक कंडीशन आता है उसमें भी देख सकते हैं इसको। उसके बाद कभी कभी लुडविंग एंजाइना, हालांकि वो तो दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे नहीं पड़ पाता, देख करके हम लोग ऐसे बहुत अनुभव करते हैं तो पता चल जाता है उससे। दूसरा चीज हम लोग सीधे आते हैं लंग्स की तरफ, चेस्ट के लिए सबसे मेन चीज होता है चेस्ट का, और लंग्स के डिजीज को हम लोग इसे पता लगाते हैं। लंग्स के डिजीज को पता लगाने के लिए जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं आप कि एक यह इंटीरियर पार्ट है हमारे बॉडी का, तो इंटीरियर पार्ट में यह चेस्ट का पार्ट है। तो लंग्स के डिजीज को देखने के लिए यह आपका राइट साइड है और यह लेफ्ट साइड है, हम लोग राइट साइड का ही यूज कर पाएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट का साउंड इसको इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए इंटीरियर पार्ट में अगर स्टेथोस्कोप जब भी हम लगाएंगे लंग्स डिजीज के लिए, तो ऑलवेज हम लोग राइट साइड में इतना पार्ट यूज करेंगे। अदरवाइज ये पोस्टीरियर पार्ट हम देख रहे हैं, इसमें हम लोग लंग्स डिजीज को बहुत अच्छा ढंग से सुन सकते हैं। इसलिए पूरे एरिया में जहां तक भी आपको सुनना चाहते हैं, सारे एरिया आपके लंग्स के डिजीज के लिए है, हम लोग सुनते हैं। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड आपको मिलेगा जो कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डिजीज बताएंगे उसे बता देंगे कि इसमें विजलिंग साउंड, सीटी जैसा साउंड आना, क्रेपिटेशन साउंड आना, हर्ष जैसा साउंड आना, कई तरह का साउंड, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड आता है। वो साउंड हम लोग अभी नहीं बता रहे हैं, वो साउंड हम लोग जब डिजीज पढ़ाएंगे रेस्पिरेटरी डिजीज उसे बताएंगे आपको। तो एक तो रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए हम लोग यहाँ पर चेस्ट का यूज करते हैं। दूसरा यूज जो करते हैं, अगर हमें हार्ट बीट का हार्ट साउंड सुनना अगर हमें हो, तो हार्ट साउंड के लिए ये जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, यहां पर सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है। बहुत अच्छा, सेकेंड हार्ट साउंड याद रखिएगा, सेकेंड हार्ट साउंड यहां और यहां, जहां पर डम सुनाई पड़ता है सेकेंड साउंड। और इस जगह पर पांचवा और छठा भी उसके रहते लव साउंड जो सबसे अच्छा सुनाई पड़ता है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड, फिफ्थ और सिक्स्थ रहते, सेकेंड हार्ट साउंड यहां पर सुनते हैं और यहां से हम लोग आसानी से साउंड सुन सकते हैं। यहां पर फर्स्ट हार्ट साउंड सुनिएगा तो साउंड कम होगा और सेकंड का साउंड इंटेंसिटी ज्यादा, यहां पर सुनते हैं अगर तो फर्स्ट का इंटेंसिटी ज्यादा और सेकंड का कम।
और थर्ड हार्ट साउंड भी अगर हम सुनना चाहते हैं तो इसी एरिया में आपको थर्ड हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा और फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई इसी एरिया में पड़ेगा। तो चूंकि वह अलग अलग डिजीज में हम लोग देखेंगे, कार्डिक डिजीज में देखेंगे साउंड के बारे में, वो साउंड हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो बता देंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साउंड का कैरेक्टर कैसा होगा और किस साउंड को कैसे पकड़ते हैं वो बताएंगे आपको इस बारे में। अभी तो सिर्फ हम स्टेथोस्कोप के बारे में बता रहे थे। इसके बाद इसका अगला यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का अब्डोमेन। अब्डोमेन पे कहां यूज करते हैं, जैसे सबसे पहला राइज ट्यूब जब लगाते हैं, राइज ट्यूब लगाते हैं तो ये एपिगैस्ट्रिक एरिया होगा और एपिगैस्ट्रिक एरिया में चूंकि वहां राइज ट्यूब लगाते हैं तो स्टमक में जाता है, तो स्टमक में गया कि नहीं गया उसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप लगा करके और एयर बबल्स को सुनते हैं कि राइज ट्यूब सटीक जगह पे गया कि नहीं गया। उसके बाद स्टेथोस्कोप से हम लोग बॉवेल साउंड को हम लोग सुनते हैं, खास करके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक डिजीज है, इंटू ससेप्शन में देखते हैं, इलियक पैरालिसिस में देखते हैं, जिसमें हम लोग स्टेथोस्कोप से अब बॉवेल साउंड को हम लोग एग्जामिनेशन करके देख सकते हैं। गैस बबल्स भी उसमें कभी कभी गैस बबल भी आराम से हम लोग इससे सुन सकते हैं। और स्टेथोस्कोप से अगला जो ब्लड प्रेशर जब भी देखते हैं, बीपी देखते हैं, तो बीपी देखने के लिए बीपी जब देखते हैं तो उसके लिए हम लोग इस स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं और उससे हम लोग ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं जहां भी बीपी देखते हो। तो स्टेथोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिजिशियन के लिए, चेस्ट एग्जामिनेशन, हार्ट का एग्जामिनेशन, बॉबल एग्जामिनेशन, और प्लस बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे मरीज को संतुष्टि मिलता है कि हाँ वो स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर साहब चेक किए हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन खैर वो पेशेंट के लिए नहीं, ये हम लोग के लिए जरूरत है कि एक स्टेथोस्कोप से पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग कर सकेंगे। तो आज हम अभी स्टेथोस्कोप के बारे में बताएं, लेकिन अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको हार्ट का साउंड कैसा कैसा मिलता है, चेस्ट का साउंड कैसा कैसा मिलता है, बॉबल का साउंड कैसा कैसा मिलता है, किस किस डिजीज में कैसा मिलता है, इसको हम आगे बताएंगे। पहले तो चलेंगे हम लोग सिस्टमिक डिजीज के बारे में कि डिजीज क्या है, कैसे कैसे होता है, और तब हम लोग उसके साउंड के बारे में बता पाएंगे। थैंक्स।